हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अभी 1 फेब से न्यू फ्रेमवर्क ऑन ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल सर्विसेज हमारा आने वाला है। तो अब काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न लोगों ने पैदा कर दिया है कि क्या चार्जेज हैं, क्या नहीं है, हिडन चार्जेज हो रहे हैं। तो आपको ना अच्छे से समझना होगा कि चार्जेज सारी कैसे हैं और आपको अच्छे से अपने पैक बनाने हैं। तो पैक्स की हमने डिफरेंट हमने वीडियोज दे भी रखी हैं, फिर भी अब एक बार हम दोबारा से रिपीट करेंगे। फर्स्ट वन, डीडी के 25 चैनल्स आपको लेने कंपलसरी है, ठीक है। डीडी इसके लिए कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा, लेकिन नेटवर्क कैपेसिटी फीस ₹32.50 आपको देनी होगी, ठीक है ना। तो ₹5.85 GST टोटल डीडी चैनल्स के लिए, आप देखें या ना देखें, आपको ₹38.35 ₹38.35 तो देना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब फ्री टू एयर चैनल्स हैं, फ्री चैनल्स जिन्हें आप कहते हैं, ठीक है, जैसे ABP न्यूज हो गया, साधना हो गया, ठीक है, बल्ले बल्ले हो गया। तो आपने 25 चैनल्स ये ही चूज कर लिए, ठीक है। इसकी भी नेटवर्क कैपेसिटी फीस, इसका भी कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और इसके भी आपको ₹32.50 सेम GST देना पड़ेगा। तो 50 चैनल्स के लिए आप टोटल अमाउंट दे रहे हैं इतना, ठीक है। याद रखिएगा, नेटवर्क कैपेसिटी फीस आपको ₹130 तो देना ही देना है 100 चैनल्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपके कुछ पेड चैनल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 25 चैनल्स आपने पेड चूज कर लिए, ठीक है। अब पेड़ का अमाउंट है आपका लगभग ₹100। अलग अलग चैनल्स का अलग अलग है, लेकिन हमने एक एस्टिमेट ले लिया कि ₹100 है। तो इसका ₹100 चैनल का चार्ज प्लस ₹32.50 नेटवर्क कैपेसिटी फीस, और फिर दोनों के ऊपर GST मिलाकर ₹156 आपको इन पेड चैनल्स का आपको कॉस्ट पड़ रहा है, ठीक है। और अभी ये 130 तक आ सकता है, और अभी हमारा ₹97.50 हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, अब HD चैनल चूज करते हैं। आपने 10 HD चैनल्स चूज किए और उसके चार्ज आपका, फॉर एग्जांपल, इसका भी ₹100 है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, नेटवर्क कैपेसिटी फीस यहां पे आपको डबल रहेगी। फॉर एग्जांपल, यहां मैं 25 भी कर देता हूं। अभी आप देख रहे हैं, यहां पे नेटवर्क कैपेसिटी फीस थी ₹30, ₹32.50, और यहां पे ₹65, उससे डबल। याद रखिएगा, डबल आपके स्लोट यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको 100 लाइंस दी जा रही है, और HD चैनल के लिए आपकी डबल लाइन मानी जाएगी, एक सिंगल चैनल को डबल लाइन, तो उसका चार्ज भी आपको एक्स्ट्रा देना होगा, ठीक है ना। तो अभी दोबारा से मैंने 10 कर दिया, ठीक है जी। अब मेरा अमाउंट हो चुका है ₹381, ठीक है। अब मैं, आप कोई पैक लेते हैं, टीवी पे हर एक चैनल पे ऐड आ रही है कि आप हमारा पैक लीजिए, ओनली कितने में, ₹30 में हमारा चैनल का पैक लीजिए, ₹30 में। उसमें वो चैनल्स दे रहे हैं 40, यहां है गड़बड़ झाला। कैसे 40 चैनल्स दे रहे हैं, नेटवर्क कैपेसिटी फीस कितनी होगी 40 चैनल्स की, ₹52, ₹30 उनके ब्रॉडकास्टर और दूसरा जो आपको सर्विस प्रोवाइडर है आपका, ₹52 वो ले रहा है इसका, GST मिलाकर कुछ गवर्नमेंट का हो गया कुछ ₹96 आप पे कर रहे हैं। आपको दिखाया क्या जा रहा है कि आप पे कर रहे हैं ₹30, और पे कर कितना रहे, 96.76। अभी क्या हो गया, ये ₹130 होना चाहिए था, आपको यहां भी क्रॉस कर गए, तो ₹20 आपको एक्स्ट्रा और देने होंगे। यानी 100 स्लोट्स जब आपके यूज हो जाएंगे, इंक्लूड HD का डबल माना, बाकी सबका सिंगल माना, तो उसके बाद यानी ₹130 के बाद आपको ₹20 एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं 25 चैनल्स के लिए। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो आपको अब अपने चैनल्स कम कर ले, फॉर एग्जाम्पल पैक तो आप लेंगे नहीं, आपने लिया ही नहीं, ठीक है, ठीक है, लिए एक पैनल, एक पैक ले लेते हैं, पैनल पैक लेता हूं ओनली ₹11 का, ठीक है, और उसमें चैनल्स हैं 7, तो
अब ठीक है। और इधर कुछ फ्री चैनल्स हैं, इनको कम कीजिए, 21, 22, बिल्कुल 23 एग्जैक्ट। अब देखिए मेरा यहाँ पे नेटवर्क कैपेसिटी फीस हो गई 130 रुपीज़। इसमें आपने क्या किया, डीडी के 25 चैनल्स लिए, फ्री चैनल 23 लिए, पेड चैनल आपने 25 लिए जो सिंगल डेफिनेशन के हैं, और हाई डेफिनेशन के एचडी चैनल आपने 10 यूज़ किए, ठीक है। और ये अमाउंट तो मैंने एस्टिमेट लिखा है आपका, कोई 90 रुपीज़ का है, कोई 5 रुपीज़ का है, कोई 20 रुपीज़ का है, तो अलग अलग, कोई 1 रुपये 50 पैसा का भी है। तो ये अमाउंट हमारे कैलकुलेटर हमने अपनी साइट पे दे रखे हैं, मेंशन कर रखे हैं हमारा, आप और पिछले वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने एक कैलकुलेटर भी आपको दे रखा है ताकि आप कैलकुलेट कर पाएँ, ठीक है। तो आपको अब ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा कि आपको 130 रुपीज़ से ज़्यादा पे नहीं करना। यदि ये अमाउंट एक्स्ट्रा जा रहा है तो आप फ्री चैनल्स को थोड़ा सा कम कर दीजिए, ठीक है। और वैसे भी पेड चैनल तो आपके इतने होंगे भी नहीं, ये 35 चैनल्स मैंने बहुत ज़्यादा लिख दिए, इतने नहीं होंगे आपके, ठीक है। तो आप अपना, और फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने इसको 10 कर दिया, ठीक है जी, 7 आपके ये हो गए, ठीक है, मेन 70 चैनल्स ही हुए। तो उसके बाद आप फ्री चैनल्स, अब आपके 130 रुपीज़ से कम हो गए ना, आप इसको आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। हाँ जी 44, अब आप फ्री चैनल 44 देख पाएंगे, ठीक है। 25 डीडी, फ्री चैनल 44, पेड चैनल सिंगल डेफिनेशन 10 हो गए, हाई डेफिनेशन 7 हो गए, और पैक जो आपने लिया एक, उस पैक में 7 चैनल्स हैं, वो 7 चैनल्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो टोटल चैनल्स हम देखें तो 93 चैनल्स आपने लिए, ठीक है। तो आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा, 7 चैनल्स हमने कम क्यों लिए, क्योंकि हमारा हमने एक एचडी चैनल ले रखा है और एचडी डबल माने जाते हैं, ठीक है। ओवरऑल आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा, कोई और दिक्कत आती तो हमें बताइएगा। थैंक यू।